किचन इज़ द प्लेस वेयर मेमोरीज आर होम मेड एंड सीज़न्ड विथ लव। हम अपना बहुत टाइम किचन में स्पेंड करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डेकोर, किचन्स आर गिवन लीस्ट इम्पॉर्टेंस। एंड ओवर द टाइम अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, किचन में बहुत सारा सामान एक्यूमुलेट होते जाता है एंड फिर हमें पता नहीं होता है कि पुरानी चीज़ों का क्या करना है। तो आज हम कुछ किचन डेकोर DIYs करेंगे यूजिंग ओल्ड एंड डिस्कार्टेड किचन आइटम्स। So, if you are watching me for the first time, hi, I am Divya and you are most welcome on this channel, Aesthetic Divya. Start करने से पहले मैं एक बार बताना चाहूँगी कि मैंने पहले भी किचन पे related decor and organization video किए हैं, उसकी मैंने playlist बना दी है। मैंने सारे video की category wise playlist बना के रखी हुई है for your convenience. So, if you want, you can check that out and let's start now. तो फर्स्ट DIY के लिए हमने लिया है ये स्पून स्पैचुला होल्डर। तो ये मैं अपने पुराने किचन में यूज़ करती थी, यहाँ मुझे उतना काम नहीं आता है। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर गोल्डन स्प्रे पेंट कर लिया अच्छे से। स्प्रे पेंट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड जब भी स्प्रे पेंट करें तो हैंड ग्लव्स एंड मास्क पहन लें फॉर योर सेफ्टी। एंड इसके बाद इसको ड्राई होने देना है एंड फिर उसके बाद मैंने इसमें वायर कनेक्शंस कर दिए हैं। तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे होल किया हुआ था, वहाँ से मैंने वायर इंसर्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं बल्ब होल्डर लगाऊंगी, दूसरे एंड पे मैंने प्लग लगाया हुआ है। ये कनेक्शंस कैसे करने हैं वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैंने भी यूट्यूब देख के ही सीखा है एंड आई एम नो एक्सपर्ट। तो आप वीडियोज़ इस बारे में देख लीजिए। एंड इसको हैंग करने के लिए मैं ऐसे स्टिक ऑन हुक यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने उस पर वायर को ट्विस्ट कर दिया ताकि वो अच्छे से वहाँ पे स्टेबल रहे। एंड उसके बाद मैंने इसको ऊपर हैंग कर दिया है एंड ऊपर इसके मैंने ग्लू गन से ग्लू भी लगा दिया ताकि वो अच्छे से फिक्स रहे। एंड दिस इज़ द फाइनल रिवील। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस पर जो स्पून्स एंड स्पैचुलास के कटआउट है उसका बहुत ही अच्छा पैटर्न बन के आ रहा है वॉल पर, जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट। तो नेक्स्ट DIY के लिए हम ये ओल्ड एंड डिस्कार्डेड कुकर यूज़ करेंगे। बिल्कुल भी काम का नहीं था, अदरवाइज़ मैं किसी को दे देती। ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो मैंने सोचा इसका कुछ DIY किया जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके हैंडल्स जो हैं, ब्लैक पार्ट जो है, उसको गोल्डन स्प्रे पेंट कर देंगे एंड अच्छे से स्प्रे पेंट कर लेना है। एंड मैंने जो इसकी विसल है उस पर भी गोल्डन स्प्रे पेंट किया है। इसको ड्राई होने देना है। इसके बाद मैं इनेमल पेंट यूज़ करी वाइट कलर का। इसका छोटा साइज़ भी आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में ईजिली मिल जाएगा। तो अच्छे से ब्रश से मैंने इस पर पेंट कर दिया है। मैंने दो कोट की थी, फर्स्ट कोट ड्राई होने के बाद सेकंड कोट करनी है आपको। तो जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो ये ऐसा कुछ लगेगा। मैं इसको एक्चुअली स्नैक काउंटर की तरह यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने इस पर स्नैक बार लिखा है, पहले पेन से लिख लिया है एंड उसके ऊपर फिर मैं परमानेंट मार्कर यूज़ कर रही हूँ। ये प्रोसेस होने के बाद मैंने इस पर एक कोट वार्निश की भी कर दी थी, बिकॉज ये किचन में रहेगा तो गंदा होएगा, इसको साफ़ करना पड़ेगा तो पेंट ना निकले, इसलिए वार्निश बहुत ज़रूरी है। तो मेरा किचन का एक कॉर्नर है, इन जो बिग बास्केट का एक एक्स्ट्रा बैग था मेरे पास, उसमें मैं अपने स्नैक्स रखती थी फॉर इजी एक्सेस। तो ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो अब मैं यहाँ पे अपना वो कुकर वाला स्नैक बार रख दूँगी। ये देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है एंड यूटिलाइज भी हो जाएगा। एंड इसमें अब मैंने सारे अपने स्नैक्स फिल कर लिए हैं, तो जब भी आपको चाहिए यहाँ सामने ही रहेंगे, ईजिली निकाल लो। एंड ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और इतना क्लासिक पीस लग रहा है। वाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। थर्ड DIY के लिए मैंने लिया ये ओल्ड चॉपिंग बोर्ड। ये प्लास्टिक का था एंड पूरी तरीके से ख़राब हो गया था, कोई काम का नहीं था। तो इसमें मैंने ब्राउन एक्रेलिक कलर डाल लिया एंड उसको अच्छे से पेंट कर लेना है। मेरे ब्रश में लेफ्ट ओवर वाइट कलर था कुकर वाला, तो इसलिए थोड़े वाइट शेड्स दिख रहे हैं, बट एट द एंड सब कवर हो गया था, डोंट वरी। तो अच्छे से पेंट होने देना है एंड लेट इट ड्राई। एक कोट में ही हो गया था बिकॉज ये डार्क कलर है। अब इसके बाद मैंने पेंसिल से एस शेप बना लिया है, एस लेटर टाइप का बना लिया है। और उसके बाद फिर मैं ये प्लास्टिक स्पून्स उस पर स्टिक करते जाऊंगी ग्लू गन की हेल्प से। इफ़ यू वांट, मैं ग्लू गन की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये प्लास्टिक स्पून्स जो है मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी के साथ मिलती ही है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टेशनरी शॉप से भी ले सकते हैं, पूरा पैकेट मिल जाएगा उसका ईजली।
तो इस तरीके से सारी स्पून्स मैंने लगा दिए ना, अभी कुछ ऐसा लग रहा है तो बहुत ही अच्छा सा वॉल हैंगिंग बन गया है हमारा। एंड जो एक्स्ट्रा स्पून्स थी जो बाहर निकल रही थी वो मैंने सीजर की हेल्प से कट कर ली है, बहुत ईजिली कट हो जाती है। एंड इसको हैंग करने के लिए मैंने इस तरीके से थ्रेड लगा दिया है ऊपर में। तो इसको पहले मैंने यहाँ पे हैंग किया था एंड देन लेटर आई रियलाइज कि मुझे उसी कॉर्नर पे हैंग करना चाहिए, तो पूरा कॉर्नर मेकओवर हो जाएगा। तो फिर मैंने इसकी प्लेस चेंज कर दी एंड इट्स लुकिंग लाइक दिस नाउ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस कॉर्नर। दिस वॉज नॉट इनिशियली प्लान्ड बट अच्छा लग रहा है काफ़ी। एंड यहाँ पे आधे में वॉलपेपर लगा हुआ है, उसकी स्टोरी कभी और बताऊँगी। यहाँ की जो वॉल्स है वो थोड़ी गंदी हो गई थी एज यू कैन सी, तो ये मेकओवर करने से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एंड वो गंदी वॉल पे से ध्यान हट जा रहा है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इन तीनों में से सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप इनमें से कुछ भी ट्राई करेंगे तो मुझसे पिक ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी चलेगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि कोई फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून हेयर, टिल देन बाय बाय।